से एक आइडिया आया है, झूठ मूठ के भूत की वीडियोस बना के लोगों को डराना शुरू कर दें तो हमें बहुत सारे व्यूज मिल सकते हैं। मैं समझा नहीं। हम हॉरर स्टोरीज शूट करके उसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो हमेशा थूकती रहती है दादी। तुम लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो दादी? आजकल इंटरनेट का जमाना है, ऑडियंस में ऊट पटांग वीडियोस की ज्यादा डिमांड है। जैसे बिना एबीसी जाने एलियंस और डायनासोर्स की बात करो, ना प्रूव होने वाली ऐसी उल्टी सीधी चीजें दिखाओ। आजकल लोग टाइम पास के लिए कुछ भी देखते रहते हैं। कुछ भी कहां से लाएंगे? ए, अरे शूट करेंगे ना, जरा एक बार अपना दिमाग तो लगाओ। इम्पॉसिबल। अगर हमने यूट्यूब पे हॉरर वीडियो बना के डाला और वो हिट हो गया तो हम रातों रात फेमस हो जाएंगे, और एक बार हम फेमस हो गए ना तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। ठीक है, सबसे पहले सर मैं डालूंगा। तू पूरा ही घुस जाना ना, कढ़ाई का साइज मेरे जितना होगा ना। तो बताओ कैसा लगा प्लान? प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, दादी को चुड़ैल मैं बनाऊंगा। क्यों दादी, तुम तैयार है ना? ओके, डंडना डंडन, वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ। पैसों की लालची है तू बुढ़िया। भूतों का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपर। क्या बोलो, भूतिया स्टोरी सुनाओ। खतरनाक थी, भयानक थी, बजरंग बलो और दुश्मन की नली। अगला, चल शुरू हो जा। वो चुड़ैल उल्टे पैरों से दीवार पे चढ़ रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। एक रात को मेरी बेटी बच्ची को सुला रही थी, तभी उसे नीचे एक हाथ दिखा। जब उसने नीचे झांक के देखा तो उसे एक गुड़िया नजर आई और वो चुड़ैल वही उसके बगल में ही थी। हाँ, मेरी मरी माँ की कसम सच बोल रहा हूँ, झूठ बोलूँ तो पाप लगे। कहते हैं वो आज भी भटक रही है। क्या भूतों पर यकीन रखती हैं? पता है ईश्वर ने सबसे स्पेशल चीज क्या दी है? हमारा ब्रेन। छुपे रहस्यों को ढूंढना और जो नहीं है उसे क्रिएट करना, ये जानवर नहीं कर सकते। कई बार हमारी जिज्ञासा अभिशाप बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमारे दिमाग ने किसी आत्मा के बारे में सोचा तो दूसरे ही पल हमें लगता है कि वो आत्मा सामने खड़ी है। एक अजीब सिचुएशन है। तो इसका मतलब घर पे जो मैंने परछाई देखी थी वो सिर्फ मेरा वहम है? ठीक, तुम्हारे फेक वीडियोस की तरह, दुनिया उन्हें सच मानती है। कीप गोइंग, बस कंफ्यूज मत हो जाना एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये बबलू भूत तो नहीं? फोड़ी ना चीज, तुम्हारी अकल शु घुटने में गई है क्या? ऊपर वाला जब सबको अकल बांट रहा था तो क्या तुम सब गधा चराने गए थे? भूत मेरी जान पहचान वाले हैं, उनके परिवार में से एक तो हमारे घर में भी है और वो कोई और नहीं, मेरी इकलौती बीवी है। आखिर सबको मार कौन रहा है? ये सुसाइड है या मर्डर? भाई साहब थोड़ी दो ना। कहां जाऊं, किससे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अब टीवी बिल्लियों के लिए नहीं, हमारे काम आएगा। मुझे दो लोगों के बारे में जानना है, वो यहाँ रोज आते हैं। अरे इधर तो हजार लोग आते हैं, इसका किसका चेहरा याद रखूंगा? उनका नाम हर्षल और संदीप है। अपन नाम से नहीं पहचानते, केवल पैसे से पहचानते। इधर मिल गया, ऊपर मत मिलियो।
क्या हो रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये सब क्या है? कहीं ये भूत का असर तो नहीं? क्या कर रहे हो? One more. ये ले लेटेस्ट कान वाली मशीन। इससे क्या होगा? इससे तुझे मन की आवाज भी सुनाई देगी। फिलहाल मन कर रहा है कि पोता दादी को आशीर्वाद दे दे। क्या करता है? मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर भूत है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए अपनी आँखों से। ए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं अकेला खाऊं केला। अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए, इस भूतिया दीवार से अक्सर खून निकलता है। चलो चुड़ैल को मारते हैं, छोड़ेंगे नहीं। आज बच के नहीं जाएगी। डरना नहीं, मैं संभाल लूंगा। अरण्या बचाओ चुड़ैल। दादी बहुत बढ़िया। में तो कुछ नहीं दिख रहा, बाहर भी सन्नाटा है। यहाँ चेक करती हूँ, यहाँ भी सब सुनसान है। फिर वो तितलियां कहाँ से आई? दादी दादी यहाँ कैसे आ गई? इन्हें तो इनके कमरे में छोड़कर आई थी। ये सब चल क्या रहा है? भूत? कहीं ये भूत तो नहीं? बाहर तो कोई भी नहीं है। दादी बिना देखे सीढ़ियां कैसे चढ़ रही हैं? कौन है? कौन है? हाँ?
सर बताइए ना, आपको क्या चाहिए? आप नाम नहीं बताएंगे तो मैं कैसे सर्च करूंगा? अरण्या, इस नाम की लड़की को ढूंढना है। ठीक है, बताइए पूरा नाम क्या है, कोई पता, उम्र? सर ये इंटरनेट है, दादी माँ की पोटली नहीं है, जो हाथ डाला और निकाल लिया। अगर डिटेल्स नहीं बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये वाला वीडियो प्ले करना। ये वाला? आपको बात समझ में आई? यही है वो लड़की। सर ये लड़की तो बहुत फेमस है सर, ये तो भूत के वीडियोस बनाती है। जैसे एक नंबर की सनकी औरत है सर, भूतिया घर में रहती है। ये देखिए,